साथ में हम लोग खड़े हैं। कौन सी मीडिया है? ये रोशन पाकिस्तान, न्यूज इंग्लैंड, इंग्लैंड जियो भी है, न्यूज सारे हैं यहाँ पे। आ जाइए दोस्तों, सारे हैं यहाँ पे, फिक्र मत करें आप। ऐलान होने जा रहा है के अंदर हमारे जो लोग थे, जितने भी लवाकीन बैठे थे, वो फिर बाजियाब हो गए। मैं बताना चाहूँगी, इससे पहले मेरा एक भाई सलमान कंबरानी और कज़न कंबरानी लापता थे। हमें बताया गया था कि आप खामोश हैं, आप छोटे आप आपके भाई को 14 अगस्त को बाजियाब किया जाएगा। हम खुश थे, हमने कोई शोर नहीं किया, हम इसलिए इंतजार में बैठे थे कि आपकी तरफ से, जाहिर सी बात है हम आपकी पर भरोसा करते हैं और आपके सहारे हमने बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक का सफर किया है। और हम ये यकीन रखते हैं कि जो मदीना रियासत मदीना के दावेदार हैं, वो जरूर हमारी बात को समझेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने 120 दिन इसी चौक पर गुजारे। हम इमरान खान साहब ने किसी की मसहशुदा लाश नहीं उठाई, हमने उठाई है। इमरान खान साहब का कोई भाई, कोई बेटा, कोई सरपरस्त लापता नहीं हुआ हमारे ऊपर, तो इसलिए हम उनसे ज्यादा सख्त जान रखते हैं। और हम चूंकि आप हम आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, हम यहीं पर बैठेंगे जब तक इमरान खान साहब हमसे आकर नहीं मिलते। वो हमारी माओ की, बूढ़ी माओ इन बच्चियों के सरों पर दस्त शफकत नहीं रखते, हम यहाँ से नहीं। देखिए भाई, आपसे गुजारिश करूँ, जो हमारे साथ आपकी पूरी टीम आई है, उसने जो हमसे बात की है, और ये कोई पहले इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात की, उसके बाद मुझसे और शहजाद अकबर साहब से बात की, आगे जरा माइक पकड़ते हैं सर, आप पूरी टीम से बात हुई है, और या तो आपको भी उसमें हमारे अपनी टीम के साथ होना चाहिए था। अगर आप डिसीजन लेकर थी तो आपको हमारी, आपकी जो टीम थी उसके साथ आपको होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर जो सारा डिस्कशन हुआ है
वो डिस्कशन कोई एक मिनट का नहीं था, डेढ़ घंटे का डिस्कशन था, जिसके अंदर तमाम की तमाम बात आपके साथियों के साथ और कैमरों की तरफ देखते हैं और वो बात सारी इस तरह की गई, वो मुतमईन हुए, इसीलिए आपके पास हुआ है। सर लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, जैसे देखे हैं मामा कदीर और फरजाना मजीद भी आए थे, उनके साथ भी मुआहदे हुए थे, उन मुआहदों के बावजूद भी हमारे लोग वापस नहीं आए, जैसे डॉक्टर दीम अहमद थी, जाकिर मजीद थी, ये लोग वापस नहीं आए, फिर भी हम यहाँ पे आए हैं, हम दोबारा यहीं पर धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा बुनियादी हक है और हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम अदलिया कानून को मानते हैं, तभी तो हम केस करते हैं, हम पटिशन जमा करते हैं, हम कमीशनों में जाते हैं, फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, हमारे बूढ़े से लेकर हमारे नौजवान तबके तक सबको लापता किया जा रहा है, उन्हें उठाने वाला रियासत पाकिस्तान है, आप सबको पता है, यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इस गुमशुदगी की शिकार हो चुकी हूँ, मेरे मंगेतर भी लापता है, आप कौन सा यकीन दहानी हमें करने आए हो और आप हमें कौन किस तरह इस चीज का यकीन दहानी करते हो कि हमारे लोग कब आएंगे और किस तरह आएंगे और कैसे वापस आएंगे। जो आपकी टीम से बात हुई है, मैं ये चाहूंगा कि ये बच्ची मेरी बेटी है, बेटे आप भी थे, मसूल्ला साहब आप भी थे, आप बताइए क्या बात हुई आपसे, जो जो सही बात हुई है आप बताएं पहले। इसकी देखिए इसकी वजह ये है कि जब तक आपको वो बात सही पता नहीं लगेगी तो मेरा यहाँ या शहजाद अकबर का यहाँ से यहाँ आपके साथ डिस्कशन करना या ना करना, वो तमाम की तमाम बात आपकी तमाम लोग सारी मेरी बहनें मेरी बेटियाँ सब हमारे साथ भाई हमारे साथ थे, जो बात हुई है वो पूरी की पूरी बात जो है शुरू से आखिर तक या तो ये आपको बताइए सारी बात, और वो जब तक आपको बात सही पता नहीं लगेगी, वो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं लगेगा। देखिए ये आपका गम नहीं है, ये मेरा शहजाद अकबर का इमरान खान का हुकूमत का गम है, यही बात हमने बताई है कि ये एक कमेटी बनाई है इमरान खान ने, उस कमेटी में मैं हूँ, श्री मजारी साहिबा है, शहजाद अकबर साहब है, और हम जिस तरह इसको पुश कर रहे हैं, जिस तरह हमने इसमें एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, आपके खुद लोगों ने ये बताया आके कि 590 लोग थे जो मिसिंग थे, उसमें से 320 रिकवर हो चुके हैं, ऐसा है या नहीं बताएं मुझे, मेरे भाई मेरी बहनों मेरे बताओ तो मैं गलत, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ मैं सिर्फ गलत बात करने नहीं आया, झूठ बोलने नहीं आया, मैं आपसे कह दूं कि ये अलादीन का चिराग है, ये तीन दिन में तीन हफ्ते में इस तरह हो जाएगा, नहीं, हमने जो यकीन दहानी कराई है आपके लोगों को, क्या कराई वो यकीन दहानी कराई है कि हमारी कमेटी बहुत ज़ोर से लगी हुई है, आप तीन हफ्ते में, मैंने तो सिर्फ तीन हफ्ते की बात की, नहीं गारंटी तो रब के पास है गारंटी, मैंने आपको देखे आपने वहाँ हमसे क्या बात की, वो बातें हुई थी लेकिन सर आपके जहन में हो, हमने कहा था कि हमारे कुछ फैमिलीज बाहर भी हैं, उनका भी डिसीजन, देखे सुने इसका मतलब ये है कि आपके बाकी लोग तो हमसे एग्री कर गए हैं, कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे, यही बात है। देखिए मेरी आपको बात बताऊँ, अगर बाकी आप ये आपका मसला है हमारा मसला है, इसको समझे, इससे पहले जो हुकूमतें थी क्या उन्होंने बात की, क्या प्रोग्रेस थी, इस हुकूमत में कितने मिसिंग पर्सन कम हुए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ बैठता है और हमसे इसकी प्रोग्रेस मांगता है। सर आज उनके लिए 5 मिनट, सर आज उनके लिए 5 मिनट नहीं हुआ यहाँ पर आकर हमें तसल्ली दी, बस 5 मिनट तो उनके लिए होगा ना। देखिए आप हमसे बात कर रही, देखिए वहाँ पे हमसे आप बिजली करके गए, वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि उनके लिए 5 मिनट तो होगा, ये तो आप यहाँ पे रोजमर्रा में जितने लोग, चलो आप कह रहे हैं कि इतने लोग छोड़े गए हैं, रिहा कर दिए गए, लेकिन उससे दुगने लोग उठाए भी तो गए हैं ना। देखिए पहली बात तो ये जो मैं आपको यहाँ आया शहजाद अकबर आपके पास आए हैं, हम तो ये बात लेके आए हैं कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है,
ये हमारा मसला है, ये आपका सिर्फ गम नहीं है, ये हमारा गम है। मानते हैं सर आपका गम है, लेकिन आप अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, हम प्रेस क्लबों के सामने बैठे हुए हैं, आप रात को मखमल के बिस्तर पे सोए हुए हैं, हम रात को सर्दियों में बैठ के गुजार रहे होते हैं, आप दिन के तीन टाइम का खाना खाते हैं, बल्कि हम एक टाइम का भी खाना नहीं खाते। देखिए मैं गुजारिश करूँ आपसे कि ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, कराची में भी ऐसा मसला है, और ये इसका अगर हल हमें करना है सबका है, बलोच भी हमारे हैं। देखिए बहन आप वहाँ हमसे बात, आप थी हमारे साथ, आप तो ये सारी बात हमसे करके उठी हो, इत्मीनान करके उठी हो, और यहाँ आके अगर आप कोई दूसरी बात कर रही हो ये फिर आपकी मर्जी, ये फिर आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी है। जो मैंने आपके लोगों से बात की है, आपके लोग मुतमईन हो के यहाँ आए, और अगर आप उस पर अगर नहीं हो तो हम वापस चले जाते, आप फिर भी हमारी बहन हो, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे, फिर भी हम पूरी पूरा जोर लगाए हुए हैं। आप तो जोर लगा रहे हैं, यहाँ पर जो पड़े हैं एग्री है तो नो प्रॉब्लम, बट मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इन यकीन दहानी पर यकीन नहीं रखती जब तक इमरान खान साहब खुद नहीं आते। ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी है, ये अगर ये चीज आपके लोग हमसे एग्री करके गए कि जी आप लोग आ जाए हमारे लोगों से बात कर ले, हम मुतमईन हो गए आपसे बात करके, तभी हम यहाँ आए हैं। अगर आपको वो जो मौकफ है उसकी भी हम हर तरह से इज्जत करते हैं, लेकिन फिर मैं नहीं आता, ये शहजाद अकबर नहीं आते, तो ये अब आपका फैसला, आपका फैसला है, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप बात करें, अंदर जो बात हुई थी उस बात पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन ये तमाम फैमिलीज कह रहे हैं कि जिस तरह पहले तीन हुकूमतों में सिर्फ बातें हुई हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, आप हमें ये बात जो है इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कराएं कि आप जो तीन हफ्तों की बात कर रहे हैं अगर इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करें। अब इसके बाद मैं फिर आपसे बताऊं, फिर आपसे बताऊं कि हमारी जो आपकी हमारी आपकी बात क्या हुई थी नॉर्मल सर, उस पे मैं एग्री हूँ, मैं एग्री कर। अगर आप देखो देखें, या तो हम सच बात एक दूसरे से करें, और अगर वाकई हम सच बात देखेंगे, देखें मैं बड़े आसानी से ये आपका मजमा क्या है, ये मेरे आप अपने भाई बहन हैं, ये आपके जो लोग हैं, सिर्फ अगर मकसूद इसको डिस्पर्स करना है, मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ ना, मैंने झूठ बोलना है ना, मैंने कोई गलत बयानी करना है, आपको मैंने वहाँ जो बेटे बात की आप मेरे बच्चों की तरह, वहाँ जो मैंने आपसे और ये भाई नसुल्ला है और आपकी बहने हैं, इनके बाकायदा हमने ये पूछा कि आपके कितने लोग हैं, आप लोग ने पहले बताया कि हमारे 10, फिर आपने दोबारा असेस किया, आपने कहा जी हमारे 13 लोग, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्री से और एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए, तो हमने सारी उसकी डिटेल पूछी उनसे, उनका एक एक चीज़ हमारे पास है, और मैंने आपसे ये कहा कि ये जो हमारी कमेटी है उस कमेटी ने जिस तरह इस पर एक्सेलरेटर रखा हुआ है, ये शायद मेरी नाकस नकली है कि हर चीज़ मैं बहुत मीडिया में आके बताता नहीं, क्रेडिट नहीं लेता कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, शहजाद अकबर ये कर रहे, ये क्या फ़ायदा, असल चीज़ ये है कि आपका मसला हल होना चाहिए। जब मैं क्वेटा बलूचिस्तान में थी तो मेरी मुलाकात वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से हुई, उन्होंने मेरे साथ मौजूद थे नसुल्ला साहब, मामा कबीर और दीगर जो मेरी फैमिली भाई थी उनके थे मेरे साथ मौजूद थे। हम जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझसे वादा किया, वो सिर्फ उनकी बात नहीं थी, वो एक वादा था, उन्होंने हमारे साथ बलोची कॉल किया कि दो दिन के अंदर आपके बारे में नाजियाब हो जाए, वो जून और अब देखिए दूसरा साल स्टार्ट हो गया है, अभी तक मेरे भाई नाजियाब नहीं हुए। हम यहाँ कोयटा बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक आए हैं, हम चाहते हैं हम अपने भाइयों को वापसी के लिए आए, हम किसी हमें इंतज़ार करने नहीं आए, हम यहाँ बैठेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे भाइयों की जान खतरे में,
चूँकि मैं एक मसखनाश पहले मौसम कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, बाकी इनका जो फैसला है। बेटे अगर आप लोग पहले आपस में तय कर लें, क्योंकि हमारी जो आपकी बात हुई थी वो क्या बात थी, अगर आप लोग उस पर एग्रीएबल हैं, जितने लोग एग्रीएबल हैं हम उनसे बात कर लें, नहीं तो आप अगर उस पर एग्रीएबल सारे हैं हम हाजिर हैं, अगर एग्रीएबल नहीं है तो बात दूसरी है, आप पहले हमें बता देते ताकि देखें जो मैंने तो वही करना है ना जो मैं कर सकता हूँ। अगर आपने मुझसे ये एक्सपेक्ट करना है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ कर देनी है जो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने आपको यही यकीन दिलाया और आपके भाई नसरुल्ला साहब को तमाम हमारी बहनें कि हमारी प्रोग्रेस आपके सामने है, वो प्रोग्रेस अगर 590 में से 320 लोग बाजियाब हो गए हैं तो आपके सामने वो प्रोग्रेस है। ये काबीना की वज़ीर आज़म की कमेटी है, वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद को इसको इस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, और ये भी मैंने आपको ऑप्शन दिया कि देखिए एक तरफ सिर्फ बोल बच्चन है उससे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, द आइडिया इज टू डू समथिंग देन आप मैम हमें 3 हफ्ते में भी कोई एतराज नहीं है। मैंने क्या इतना बड़ा डेटा होता है, नहीं नहीं जी मैंने कम अज़ कम आप अगर उसको कोशिश करें मुझे बोलने दें ताकि कोई आपके जहनों में मिसकमिटमेंट मेरी तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ कोई झूठ बोलने नहीं आया कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे, मैंने उनसे ये कहा है कि हमारी कमेटी है पूरा जोर लगाया गया, 13 लोगों के नाम आज हुए आपको मेरी तरफ, ये हम लोग इसको देख रहे हैं। अब हमारा इन 13 लोगों पर एक फोकस्ड अप्रोच होगी और इस फोकस्ड अप्रोच में नहीं ख़त्म कर लूँ प्लीज़, ताकि कोई ज़रा सा भी इमाम ना रहे। ये 3 हफ्ते में मैंने इस बच्ची से नसरुल्ला से और जितनी ये बहनें थी इनसे मैंने ये कहा कि इन 3 हफ्ते में आप इसमें प्रोग्रेस देखेंगे, ये कमिटमेंट है इनसे, कोई झूठ नहीं है कि ये मैं आसमान ज़मीन क्या कर दूँगा, और यही टाइमलाइन दे देना अगर आप 3 हफ्ते आप अगले 3 माह में बताएं कितने लोग आप लाएंगे। नहीं देखिए ना मेन बात ये है ना, मैं आपका यहाँ हम शहजाद अकबर प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव कोशिश में है कि आपका मसला हल हो, और ये मैं बड़े आसानी से अच्छी अच्छी बातें करूँ, आप हमारे फेवर में नारे लगाएं मैं चला जाऊँ कुछ भी नहीं हो, ये बेहतर है या इस वक्त थोड़ी सी कड़वी बात बेहतर है कि ये 3 हफ्ते में अगर मैंने क्या कहा था बेटे आपकी मर्जी, देखो मेरे मेरे हाथ में जो है वही सर फैमिली से बात हुई है, हमने जो है वैसे हमारे पास लंबी लिस्ट है लेकिन अभी जो जितने फैमिलीज आए हैं उन्होंने आपको 13 जो है मिसिंग पर्सन का नाम दिया है, और आपने अंदर कहा है कि जो है 3 वीक्स में इन लोगों के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। प्रोग्रेस दूंगा, प्रोग्रेस दूंगा। सर प्रोग्रेस से क्या मतलब, प्रोग्रेस से क्या मतलब, या तो अगर उन पर कोई केस होता है तो वो अदालत में लाए जाएंगे, अगर उन पर कोई केस नहीं है तो वो बाजियाब कराए जाएंगे, तो सर ये बात आपने की ना। उस मीटिंग की तमाम कॉन्वर्सेशन आप लोग सुन सकते हैं, और मैंने इनसे ये कहा था कि सब प्रोग्रेस से मतलब बताएं, ठीक है हम बोलने दें प्लीज, ये आप इस पे बात करें। हेलो, ये आ रही आवाज सबको आ रही है, पीछे नहीं आ रही है, एक बात मेरी, ये बातें आप जो कर रहे हैं ये वजीर आजम यहां पर आकर 5 मिनट कर सकता है, वो क्यों नहीं आता। देखिए अगर यही बात थी ना आप मुझसे इंसिस्ट करते हैं मैं फिर नहीं आता, आप लोग सब कलेक्टिवली ये एग्री करिए जाए, ये आप मैंने आपसे ये कहा था कि आप वहाँ जाके कर लें
और अगर सब मुतमईन हो जाए तो मुझे बुला लीजिए। यहाँ तक नहीं आए, हमें अंदर रोका गया, हमने अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर पाए। जितनी पूरी बात हुई है, मैंने एक बात और इस बेटी से की, मैंने कहा देखिए इस 3 हफ्ते में अगर इन 13 लोगों में से एक आदमी भी बाजियाब होता है या उसके वेयर अबाउट्स मिलते हैं तो ये प्रोग्रेस है। इसी तरह हम पूरा एक्सेलरेटर दबाए हुए हैं, पूरी कोशिश इमरान खान की है सर, पूरी इमरान खान की हम सबकी ख्वाहिश कोशिश। हाँ सईद अहमद की भी बात हुई है, ये लेवीज में था, आपका बेटा है आपने बताया, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर देखें, जो आदमी सच बोलेगा ना आपके सामने बड़े बड़े दावे नहीं कर, इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात की है बड़ी आजाना तौर पर कि ये अगर आप हमारी इस कमेटी पे आपको अगर भरोसा नहीं है फिर भी हमें अपना काम तो करना ही है, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। हमें यहाँ कोई ना आपसे अवार्ड चाहिए ना कोई वाहवा चाहिए कहीं, आपका काम कराना मकसूद है, चाहे हमारे बलोच लोग हो, मैंने अपनी एग्जांपल दी कराची वालों की एग्जांपल दी, या हमारे कराची के लोग हो। और एक ही बात आपसे कही कि पाकिस्तान का ज़ोर से आपने साथ देना है, हाथ थामना है, ये पाकिस्तान है तो ये हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं है, बता दूं आपको। तो अगर बेटे आप फिर इनसे बात कर लें, हमें दोबारा बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। इमरान खान सर, बात यह है कि शहजाद मलिक नाम है मेरा, रोशन पाकिस्तान जी चम्मू की जनरल तुम जा रहे हो, कोशिश करें मैं हम इमरान खान सब पूरी क्या बजे हम हर तरह से नेक नियति से लगे हुए हैं। एक तो आप ऐसा करें कि पुराने ज़मानों से आज की एवरेजेस निकालें कि जैसे किसी ने कहा सही कहा, मैं इसको ही डिस्प्यूट करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, ये एवरेजेस मिसिंग पर्संस की होने की कितनी कम हुई है नंबर वन, नंबर टू रिकवर करने की कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हुई है, कितने लोग रिकवर होने शुरू हुए, थोड़ा सा सिस्टम को ट्रस्ट करें। हमारी जो कमेटी बैठी हुई है ये तमाम इसके सम्राट आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं है, हम फिर भी अपना काम करते रहेंगे, हम फिर भी अपना काम करते रहेंगे जी। क्या हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते अपने प्यारों का, हम यहाँ पर आए हैं, हम ये उम्मीद से आएंगे यहाँ पर, हमें बच्चे आपकी मर्जी, मेरा अगर काश आप ये बात उस मीटिंग में कर देती है, वहाँ से आप मुतमईन होकर उठी थी, अब दूसरी बात कर रही है ना आता ही नहीं सर, बाकी मर्जी सर आप बात करें ठीक है, हम मुतमईन, लेकिन आप हमें इन 3 हफ्तों में प्रोग्रेस बताएं, आप इनमें क्या करेंगे, ये जो लोग हैं अगर मैंने बता दिया नहीं सर, ये सब लोग मीडिया को सर बता दे, मीडिया को बता दे, मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार सच बोलूँगा आपको। पहली बात तो ये है कि हम जो हमारी कमेटी कैबिनेट ने बनाई है उसमें मैं हूँ, डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, और ना सिर्फ ये कि वो कैबिनेट की कमेटी कैबिनेट ने बनाई है, हम अपनी जो उसके अंदर प्रोग्रेस है कैबिनेट को भी दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी मुकदमात हैं जहां हमने रिपोर्ट्स देनी है, और हर तरह से हमारी अच्छा देखें ये मिसिंग पर्सन्स का किस्सा 20 साल से चल रहा है, ये आज का नहीं, इस कैबिनेट कमेटी को बने हुए कितना अरसा हुआ है, बीच में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई थी कि कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं कौन मेंबर नहीं हो सकते, भाई थोड़ा सा बंद कर दें, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और इस पूरे दौरानिए जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है
कितने लोग जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है मिसिंग होने की, क्या वो कम हुई है ज़्यादा हुई है, ईमान से बात कीजिए, फैक्ट फिगर डेटा आपके सामने स्ट्रेट अवे। जस्टिस जावेद इकबाल जो कि मिसिंग पर्सन्स कमीशन के चेयरमैन हैं, क्वेटा जा रहे हैं, ये तमाम की तमाम बातें आपके पास हैं। मैं अभी भी अपने दफ्तर में बैठा हूँ, आप लोग बात करें आपस में, अगर आप लोग मुतमईन होते हैं हमारी बात से हम दोबारा आ जाएंगे, नहीं होते हैं आप लोग की मर्जी, लेकिन हम फिर भी अपना काम करते हैं, फिर भी अपना काम करते हैं। सर आप बस एक बात पर लवाइकीन को जो है मुतमईन करें, ये चाह रहे हैं कि तीन हफ्ते के बाद अगर हमने कोई प्रोग्रेस नहीं देखी तो फिर हम क्या करें, किससे सवाल करें? बेटे आप जो कमेटी है ना, जो कमेटी बनी इसलिए है, ये आप थोड़ा सा खुदा का शुक्र अदा करो कि इमरान खान बैठा हुआ है, इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और इस पूरी चीज़ को मिसिंग पर्सन्स हो, और ना सिर्फ इमरान खान, मैं एक चीज़ और भी करूँ, ये जो आज की जो मिलिट्री लीडरशिप है ये भी बड़ी क्लियर है, मेरा इंटरेक्शन है और मुझे पता है कि वो भी किसी तरह अभी ये मिसिंग पर्सन्स वगैरह नहीं चाहते, आप समझें इस बात को, और पाकिस्तान का साथ दें और इंशाल्लाह और अजीज ये प्रोग्रेस आपके सामने होगा। सर हम पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो हम पाकिस्तान के कानून और आईन को मान रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान ट्रीटमेंट के लिए भी आए यहाँ पे, उनका बड़ापन तो खत्म नहीं होगा, वो नहीं झुकेंगे। मतलब देखें ये देखें ईगोस की बात है, मैं आपके साथ जो हुआ है ये आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं कि ये एक एक चीज़ एक एक लम्हा किसी ख़ानदान के साथ खुदा ना खास्ता अगर मिसिंग पर्सन होता है तो पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो चुकी है, कितनी बर्बाद हो गई है। काश वो, क्योंकि कैबिनेट की बहुत सी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, ओपन नहीं होती, काश आप सुन सकती कि वहाँ कैबिनेट में इमरान खान क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जज्बात क्या हैं, और ये प्रोग्रेस आपके सामने है। देखिए या तो हमारी ये प्रोग्रेस नहीं होती कि 590 लोगों में से 320 लोग बाजियाब हुए आपके सामने, और बाकी के लिए पूरी तरह ये कोशिश कर रही है, पूरी तरह कोशिश में नहीं कहा कि तीन हफ्ते के बाद फिर लवाइकीन को हम कैसे मुतमईन कर सकते हैं। बेटे मैं सुने ना, ये आपका हर तरह से ये एक राइट है जो आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, और ये हमारी ड्यूटी है, ये आर ड्यूटी बाउंड, ऐसा नहीं है कि हम खुदाना खास्ता कोई एहसान कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, ना मैंने, ना शहजाद अकबर ने, ना इमरान खान ने, ना आप किसी ने, ये अल्लाह की ज़ात है जो कि ये महम करती है, करम करती है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, रिकवरी भी ऐसे ही होगी। तो थोड़ा सा आपने मेरी बात का, अगर आप समझते हैं मैं ऐसी लफाजी कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। मतलब आप चाहते हैं हम तीन हफ्ते अब इधर ही रहे? हम दो दिन से यहाँ पड़े बेटे मैंने नहीं कहा, पीछे से बात नहीं करें, आगे आगे बात करें, सामने देखें। यार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भाई समझो अपने, आप समझो आपके कोई भाई खड़ा हुआ है, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये बच्चे हैं हमारे, आप लोग सब हमारी बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि सर बच्चे होते तो दो दिन पहले आ जाते हैं। यार इस तरह फ़ायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। मैंने यही आपसे पूछा कि जितने तीन हफ्ते के अंदर क्या ये बाजियाब होंगे, अगर सब नहीं होते तो कितने परसेंट लोग बाजियाब होंगे? ये सवाल अगर देखे ना, अगर तो ये सवाल जवाब इतना आसान होता तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैंने इनसे यही कहा से कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इन तीन हफ्ते में
एक आदमी भी रिकवर होता है तो क्या हमारी प्रोग्रेस नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही रिकवर हुआ, मैं ये नहीं कह रहा। हम किसके पास जाएं? आप लोगों को पता नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अगर हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो प्रोग्रेस हो रही है हमें पता चल रहा हो साथ साथ। मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो शुरू का जो टाइम था कमेटी का, ये हमें सारा जो अगर मन फेरे थे कितरे फिर थे अगर अगर तूले दे सर जिनको मरियम नवाज साहबा भी यहाँ पे आई थी पीडीएम की हमारे मसले पर बाद में अगर मुतमईन हो रही है अगर मुतमईन फेरी है तो साफ साफ आओ दे बड़ी नंदार की लोगों को ना दान दे फिर ज्यादा छेड़छाड़ी कब हो दे क्लियर कब हो दे अल्लाह ना रफ फिंगर टू ना देवर ने हमारे फिंगर टू रे देवर ने मेरे फिंगर टू भी है हमारे साथ वो यही पूछ रहे हैं कि 3 हफ्ते में अगर हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली तो फिर हम क्या करें? आप हमें बताएंगे उसके बाद फिर क्या? मैंने आपको वहां भी ये आपने सवाल इन्होंने किया था मुझसे, मैंने पता क्या जवाब दिया? मैंने ये कहा था कि आप लोग हमारी बहने हम सब आपके साथ हैं, ये आपका मसला नहीं है हमारा मसला है। इसलिए नसरुल्लाह को मैंने कहा, नसरुल्लाह भाई है हमारा, नसरुल्लाह हर वक्त हमारी जो कमेटी है उसके साथ नसरुल्लाह को इंगेज करवाए। बहन आप यहाँ रहती हैं, आप आ सकती हैं, और नसरुल्लाह साहब जो है भाई हैं हमारे छोटे, इनको इंगेज करवाएं हमारी कमेटी से ताकि ये हमें हर चीज़ ये भी बताएं हम, ताकि पूरी कोशिश करें और जो प्रोग्रेस कर सकते हैं वो आपके सामने हो। सर हुकूमत जो आपके आदमी की वजह से हुकूमत से अलग हुए थे जबकि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का बिल भी रिजेक्ट हुआ था, इसके अलावा आप किस तरह से की जान करा सकते हैं? अगर अगर तू ले रहे अड़े ईद करे तो यकीन दयानी करफे ने अगर पारे ठीक है मुतमईन हो ठीक है जवाब इतने ना दे अगर पारे मुतमईन अफन इलो मसला थे छेड़छाड़ी का पब अगर तू लो ने साफ साफ जवाब दे तो बस खत्म। सर आप एक आखिरी स्टेटमेंट दे दें कि आपके पास जो है 13 नेम्स हैं वो आपने प्रॉमिस किया है कि जो है 3 वीक्स में उनके बारे में कुछ आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने बात तो नाम दिया था किसी का, उस तरह हम आते हैं यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपको यकीन जारी कराते हैं ये हो जाएगा, आप क्वेटा पहुँचेंगे उससे पहले ये चीज़ें हो जाएंगी, क्या फ़ायदा है ऐसे झूठ बोलने का? क्या फ़ायदा? इसीलिए ना आपसे झूठ बोलना है बेटा, कल हम आपसे सवाल करेंगे फिर आप कहेंगे कि हमने आपसे इस तरह की जो है कमिटमेंट नहीं की थी, फिर हम क्या करेंगे? देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात बातों पे इस पर यकीन आ रहा है कि वाकई ये लोग कुछ कर रहे हैं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोग्रेस आपके सामने है, 590 थे आपने खुद कहा 320 ज़्यादा है, ये अब बताइए आपने क्या बताया था? सही क्या बताया था आपने? आपने क्या बताया था? देखिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप दे सकते हैं तो ये भी बड़ी बात होगी, हम ये नहीं कह रहे कि आप बात
और ये डिस्कशन करने के बाद ये इन्होंने हमसे कहा कि तमाम बातें थोड़ा सही है, आप चल के हम मुतमईन हैं, आप चल के हमारे बाकी लोगों को बता दें। अब ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है, अगर आप इस पर आपको थोड़ा सा यकीन आता है, तकलीफ आती है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैंने उसके बाद क्या कहा, अगर आपको नहीं भी कोई यकीन आता तो हम तो फिर भी अपना काम करेंगे, हमें तो अपना काम करना है, हर तरह से करना है। जी पहले तो हम ये चाहेंगे कि भाई हमारा बंदा और पूरा बाजार हो, ठीक है, अगर वो शायद मैं भी यही चाहता हूँ, इनकेस नहीं भी होता तो उनके हवाले से आप इनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करेंगे कि वो कहाँ है, जिंदा है कि नहीं। बेटे मैंने देखिए प्रोग्रेस आपको दूंगा, मिसाल के तौर पे देखिए मैं बिल्कुल झूठ बोलना नहीं चाह रहा, मिसाल के तौर पे किसी के बारे में मुझे नहीं पता लगता थी, हमारी कमेटी को नहीं पता लगता, किसी के बारे में पता लगता है, किसी को हम बाजियाब कर पाते हैं, किसी को कोई और चीज़ हो जाती है, वो चीज़ें मैं इस तरह नहीं बोलना चाहता। तो अगर आपको ये यकीन है कि ये आदमी, ये शहजाद अकबर, ये शीरी मजारी, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे, तो ये हमारा मसला है, हमारी हुकूमत का मसला है, हमारे पाकिस्तान का मसला है, यह मिसिंग मसले नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आपका यकीन है, हम तो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, यकीन करें, इसको एक चांस दें। देखें ये आमना बहन हमारी खड़ी हुई है, आप खुद बताएं क्या वजीर आजम इसमें सीरियस है या नहीं है, इसमें सीरियस इमरान खान है या नहीं है आपके सामने। तो ये बड़े आराम से देखिए हम आते हैं, टाइम देना होगा, और ये झूठ सच सच का वक्त नहीं है, हमें सच बोलना है। हाँ बेटे बच्चे चार दिखाने और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आमना बीवी है नसरुल्ला भाई, आमना बीवी क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में रहती है, नसरुल्ला भाई मर्द हैं, आराम से आ जा सकते हैं, इनको थोड़ी सी आप ड्यूटी लगाएं, हमारा जो मनोज सारे जो भाई हैं बहन हैं इनको ज़रा सा एक फोकल पर्सन बनाएं कि हमारी कमेटी के साथ। देखिए आज फॉर द फर्स्ट टाइम आपने इस कमेटी से एंगेज किया, पहली दफ़ा मौका ही नहीं मिला बेटे, मुझे ऐलान तो नहीं होना था, थोड़ा सा बीफ है। तो इस कमेटी के साथ प्रोग्रेस आपके सामने आती है जो भी है, और अब दुआ करें अल्लाह की ज़ात हमें अपने मकसद में कामयाब करें, दुआ करें, क्योंकि ये काम ना इन्होंने करना है ना मैंने करना है ना अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह की ज़ात से दुआ करें। और सालों से दुआ करते आ रहे हैं, और एक दफा फिर करें, फिर दुआ करें, अगर हमसे दो मिनट बात कर सकते हैं, ये बातें आप कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ये बाप की मर्जी, ये सर्दी में इनके बहुत खतरा है निमोनिया होने का, बीमार होने का, दो औरतें बेहोश हो गई, ऐसे ठीक है। आप इससे आप बहुत इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है ये इतनी बीमारी हो जाती है ना, माओं को जिंदा रहना है ताकि ये अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, इनके बच्चे वापस आए और इनकी खुशियाँ देखें। बेटे आप अपनी बहन को समझाओ, ये हमसे बात करके गई है,
लेकिन ये हमारा हक है जो आज आजमा कर हमको दो मिनट के लिए मिली। ये समझी और मैं लगती कर रहा हूँ अल्लाह ना करे मेरी पढ़ाई नहीं 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 बिल्कुल 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 मेरे आप बस एक आखिरी दफ़ा जो है जो 3 वीक्स की बात हुई थी जिसमें 13 मिसिंग पर्सन की उनके केसेस के बारे में प्रोग्रेस में क्या आता है, अगर इसके बाद कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं फैमिली को नजर आई तो उसके बाद इनको क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब दें फिर उसके बाद। आप अगर तो आप पूरी जिंदगी का धरना लगाएंगे ना, जान की बाजी लगाएंगे कि गुजर गई ना धरना देते हुए, फिर ये फिर व्हाट डज प्रोग्रेस मीन, व्हाट डज प्रोग्रेस मीन, कोशिश सर क्वेश्चन लेने से अभी अभी नहीं, मैं जरा से बात करूं। मेरा आपसे कमिटमेंट है भाई, आपसे कमिटमेंट है कि आपके सवालात के जवाब दिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, ना शगल शगल अकबर निकाले नहीं है, लेकिन ये जो जिस मकसद के लिए हम आए हैं थोड़ा सा इसको बात एड्रेस कर रहे हैं। देखिए मैंने जो बात की है, हमारे पास जो आपके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, कोई एक डेढ़ घंटे के डिस्कशन के बाद मुतमईन हो के वो हमारी बातों से निकल आए हैं, और यही बात हुई थी कि उन्होंने ये कहा कि जी आप यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रवायतीन हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनसे भी आप बात करें, और बात यही हुई थी कमेटी बनी थी जिसके अंदर ये बात हमारा लाइव चल रहा है, पूरी प्रोग्रेस पूरी एफर्ट हमारी है, इमरान खान साहब हर कैबिनेट में हर मीटिंग में हर रोज के रोज ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आज की वो मिलिट्री लीडरशिप की पूरी क्लैरिटी है, ये मिसिंग पर्सन एवरेजेस इसको बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट इस तरह करना है, 590 लोग थे आप खुद कहते हैं जिनको 320 रिकवर हो गए, बाकी इस 3 हफ्ते के लिए मैंने आपसे ये कहा फॉर द फर्स्ट टाइम इस कमेटी के सामने आपने 10 कहे, बाद में फिर आपने कहा ये 13 लोग, इन 13 लोगों के लिए फिर मैंने यही आपसे कहा कि इनकी तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तमाम इनके वाइफ हैं, तमाम चीज़ें हैं, इस कमेटी ने इसको देखना शुरू करना है, पूरे फोर्स एक्सलेटर दबाना है, हर तरह से कोशिश है, 3 हफ्ते में अगर आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, क्योंकि देखें मेरा द आइडिया इज़ नॉट कि मैं झूठ सच्चे वादे करके और फिर चला जाऊँ और फिर भाई 0/0 कुछ भी नहीं हो, कोई प्रोग्रेस आपके हिसाब से नहीं होती, नेचुरली आप खुद मुख्तार हैं, जो आप बार बार एक सवाल कर रही हैं उसका जवाब सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं कि आप खुद मुख्तार हैं, आपका सारे राइट्स इंटैक्ट हैं, आप हम कुछ अभी करें नहीं करें ये सिस्टम को आप पूरी तरह सर इसमें तो आपने स्टार्टिंग से एंड तक कोई कमिटमेंट तो नहीं किया फैमिलीज के साथ बेटे, बात सारी ये है ना कि वहाँ क्या बात उधर क्या बात सर यही बात है कि 3 हफ्ते में जो है आपके लोगों के बारे में कुछ पता चलेगा। मैंने आपको ये बताया था कि ये इससे प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस होगी इस देखा आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ बैठे, आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, वो भी आपका राइट है, तो फिर भी आपका काम कर सकते, आपके यहाँ आने से बिल्कुल हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हमारी बेटियाँ हमारी बहनें जो हैं रोड पे बैठी हैं, लेकिन ये आपका राइट है, मैं आप नहीं रोक सकता, लेकिन जिसकी पूरी की पूरी अगर आपने ये मौका हमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ आप मुझसे रिपीट करा रही हूँ, सर अगर इन माँ उनके बच्चे वापस नहीं आते क्या आप चाहते हैं ये माँ दोबारा, मैं तो बता रहा हूँ हम मर के नहीं जा सकते, जरा कैमरा से थोड़ा सा ठीक करते हैं, अगर हम जो आपसे वादा कर रहे हैं, हम वादा क्या कर रहे हैं, हम कोई ऐसा वादा नहीं कर रहे जो हम पूरा नहीं कर सकते, हम ये कह रहे हैं कि हम इन 3 हफ्तों में ये जो 13 लोगों की आपने हमें लिस्ट दी है जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव चाहे ये हमारे भाई हों या किसी और को करते हैं, वो उनको हम सारी प्रोग्रेस बताएंगे, जो लोग इसमें से आइडेंटिफाई होते हैं, रिकवर होते हैं, जो हमारे सामने प्रोग्रेस होगी
हम जो एफर्ट कर रहे होंगे ये उसके गवाह होंगे, ऐसे कुछ छुप के नहीं होंगे। सर ये बातें आप कह रहे हैं, यही बात है इमरान खान भी आ कर रहे हैं, ये हमारा हक बन पाए, मुल्क वजीर आजम है, आप हिस्सा है, बनाई हुई कमेटी है और इस मामलात को लेके ही उन्होंने इस कमेटी को बनाया है। और जो प्रोग्रेस है उसके लिए देखिए आपको हमें मौका देना पड़ेगा, हम आपके सामने जो भी होगा, मेरी ये बहन खड़ी है आमना जजुआ साहिबा, मैंने 10 साल इनके साथ मिलकर इनके केसेस किए हैं, मिसिंग पर्सन के केसेस किए हैं, मुझे आप फैमिलीज के साथ बैठा रहा हूँ, आज मैं अगर हुकूमत के अंदर हूँ तो वहाँ भी आप लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, कमेटी में भी इसीलिए डाला गया कि वहाँ पे श्री मजारी साहब आते हैं, हम खुद इस बी चौक में बैठते रहे हैं। देखिए ये एक इतना बड़ा हमारे लिए मसला है इस मुल्क का, जिसको हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, ये किसी के लिए बाइस फख्र नहीं है, ये बाइस शर्म है हमारे लिए। पूछना चाह रही हूँ ये जितने तेरह लोगों के नाम अगर आपको दिए गए, इसमें से ये तो कंफर्म है ना कि इसमें से कुछ तो बाजियाब है? देखिए मैं जो बाजियाबी का जैसा लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इसमें पूरी अपनी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि तमाम जो इदारे हैं हर किसी की मामलत लेंगे, हमारा मकसद जो है इनकी बाजियाबी, ये हमारा अल्टीमेट मकसद है। अब उसमें बाजियाबी करा पाते हैं, किसी को लोकेट कर पाते हैं, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेके देते हैं, उसको भी हम समझेंगे कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। और ये एफर्ट 3 हफ्तों में ख़त्म नहीं होनी है, क्योंकि सिर्फ 13 लोग नहीं हैं, आप जानते हैं इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमारी कोशिश है कि तमाम लोगों की बाजियाबी हो। और दूसरा ये प्रैक्टिस आगे भी ख़त्म हो, कम हुई है लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है, ख़त्म होनी चाहिए, तो हम उस दोनों के ऊपर काम करेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है, सब हमारी भाई बहनें हैं, हमें नहीं अच्छा लगता, हम नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि आप 3 हफ्तों बाद फिर उस सिचुएशन पे पड़े हों, इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम पूरी कोशिश करें, अपना पूरा जोर लगाएं, इन लोगों को बाजियाब करवाएँ, इनकी बाजियाबी, इनकी मालूमात लेना, उनको मिलना आपका चुनाव है, उसके लिए अब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं और इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। बाकी आप लोग बेशक आपस में मशवरा कर लें, जो भी है हम ये हमारे साथ, ये हमारी माँ है सबसे हमारी सीनियर, ये कह रही है कि अगर 3 हफ्ते में हमारे बच्चे हमें नहीं मिले तो हम वापस इधर ही आएंगे, फिर भले हमें जो है यहाँ पर सालों तक बैठा है बेटे, हमारे बड़े हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये ना हम 3 हफ्तों में आपको कुछ दिखा सकें, अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकें, तो ये हमारी कोशिश होगी कि ये मौका ना आए, लेकिन आप अपने तमाम चीज़ों में आप खुद अपना फैसला कर सकते हैं, आप देखिए। बेटे हम पर बहुत आसान से बहन, मैंने वहाँ भी आपसे बात की थी बहुत आसानी से, मेरे भाई हैं रहमान मलिक साहब मेरे भाई हैं, लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि बड़ी बड़ी कोई बात इस तरह हम करें और कुछ जिसका सर पैर नहीं हो, हमें हर तरह की पहले से आपके साथ है, बहुत तसल्ली दी है 12 साल से हमको तसल्ली दी आई दी है अभी तक मेरा नहीं, लेकिन ये बात आपसे किसी ने नहीं कही होगी जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, हर एक ने आपसे ये बात कही होगी, आप बलूचिस्तान पहुँचे क्वेटा पहुँचे उससे पहले आपके लोग आ जाएंगे, हर एक ने ये कहा होगा, लेकिन किसी ने आपको ये सच बात इस तरह नहीं की होगी। तो थोड़ा सा मेरी गुजारिश है, मेरी बात माने, हमारी बात रखें, हमें मौका दें ताकि हम कुछ ऐसा करें कि आपको दोबारा ना आना पड़े। सर हम तो चाहते हैं कि हम आप पे भरोसा करें, क्योंकि हम पहले भी भरोसा करते आ रहे हैं, तो वजीर दाखिला बलूचिस्तान थे, उन्होंने जब वादा भी किया तो आप यकीन जानिए हम 5 महीने इंतज़ार में बैठे रहे, उसके बाद ही हमने फिर ये स्टेप लिया कि भाई हम यहाँ पर आ गए। वो यूट्यूब है, एरा टीवी चैनल है, क्या हो गया, आप लोगों में कोई अकल मोट है कि नहीं, उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई जी बातें कर रहे हो, मतलब बताएंगे प्रोग्रेस तो मैं जा रही हूं कि हम आपके साथ चले नहीं हम पा रहे हैं, मेरे से बात ना करें, डिस्टर्ब ना करें, आप लोग डिस्कशन करो, कुछ सुझाव मैंने कुछ बोलना खड़े हैं मेरे बारे में, आपने फॉर्म चले हैं बात खड़े हो दोबारा आ जाइए, कैसा लगा सही है बहुत से आपसे बातें कर ठीक है ठीक है ठीक, अल्लाह की जात दुआ करें, अल्लाह की जात हमें कामयाब करे, आपका मसला ये सॉल्व हो बेटा, आप थोड़ा सा साइड पे आ जाइए, आप लोगों ने ऐलान किया है बिस्मिल्लाह
आप ही सॉल्व कर सकते हो सारी चीज़ें आपके पास है, सारी ताकतें आपके पास है, हम लोग खुश हैं। मेरा सवाल ये है सर, क्या आगे 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 अरे का सवाल कर रहे हो उनसे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीडिया वाले गुंडागर्दी करोगे, क्या बदतमीज कर रहे हो, हम पुतुल में बैठी कर रहे हैं, आपका बड़ा चैनल है, हमारा छोटा चैनल है, बड़े आए चैनल वाले, हम पुतुल में बैठे हुए दो घंटे दो दिन से, बड़े चैनल वाले हम छोटे चैनल वाले, ये झूठा मीडिया है, काजी कम बाद लादी को कुकर का वस्त्र वो पा दी लगे कुकर का डिस्टर्ब करने बार बार कुकर करने का कैमरा देखा कसर भी लगा कैमरा भी दा बिदार है ना तुम हां तो बराबर हो गया हम पार्टी रिलैक्स पे रिलैक्स कुछ सारे में है रिलैक्स पे कुछ बाबा करना है कुछ ठीक है मस्त हो गया वो शुरू में थी मां ये नहीं हुए थे जो डिस्कशन इनके साथ कांग्रेस शुरू हुआ है अभी आपके सामने बिल्कुल हुए तो ये आपका ऑब्जर्वेशन या आपका कहना कि मुमकिन नहीं हुए दुरुस्त है ठीक है इसी वजह से हुकूमत से अलग हो गया था इसके अलावा बिल आया था जिसे आपकी पार्टी ने बाकायदा रिजेक्ट किया इसकी वजूहत क्या है और आप किस तरह से यकीन दहानी करा सकते हैं कि आगे हम इस तरह के इनको रोकने की कोशिश करेंगे जबकि आपके जो पिछले रिकॉर्ड थे वो सारे